बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। ऋषि लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनका इलाज यूएस में चल रहा था। सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और इस दुख भरी घड़ी में क्रिकेट जगत की हस्तियों ने अपना दुख कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। वहीं विराट कोहली ने अपने ट्वीट के जरिए इस प्रकार अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह असत्य और अविश्वसनीय है। कल इरफान और आज ऋषि कपूर जी, ये स्वीकार करना बहुत ज़्यादा कठिन है क्योंकि ये कथा आज बीत चुकी है। परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रवि शास्त्री ने अपने ट्वीट में कुछ इस प्रकार अपना दुख व्यक्त किया। रवि शास्त्री ने कहा कि वाकई ये चौंकाने वाला है। ऋषि कपूर के आसपास एक भी सुस्त क्षण कभी नहीं। मेरी प्रार्थना नीतू जी, रणबीर और रिद्धिमा के साथ है। भगवान ऋषि जी की आत्मा को शांति दे। और शिखर धवन ने अपने ट्वीट में कहा, अचानक ऋषि जी के निधन की खबर सुन के चौंक गया हूँ। उनके परिवार और दोस्तों के लिए मेरी हार्दिक संवेदना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और वहीं महिला क्रिकेटर मिताली राज ने ट्वीट कर कहा, अनुभवी अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से हैरान हूँ। उन्होंने अपने प्यारे व्यक्तित्व से लाखों लोगों का दिल जीता है। बहुत भारी नुकसान, सिल्वर स्क्रीन पर वो बहुत याद आएंगे। और वहीं पूर्व पाकिस्तानी पीटर वकार यूनिस ने लिखा, टूट गया दिल, टूट गया। विश्व सिनेमा के लिए भयानक सप्ताह, एक युग आपके निधन के साथ समाप्त होता है, लेकिन आप हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कहा कि अब एक साल हो रहा है मगर ये निराशाजनक और निराशाजनक सप्ताह बन गया है। एक के बाद दूसरी बुरी खबर, भारी नुकसान, देश में ये शौक की घड़ी है। और वही भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल ने ट्वीट कर कहा कि हे भगवान, ऋषि कपूर के निधन की खबर त्रासदी भरी है, परिवार के लिए संवेदनाएं। वीरेंद्र सहवाग, बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ ऋषि कपूर जी के निधन की खबर सुनकर, परिवार वालों के लिए हार्दिक संवेदना, ओम शांति। और अनिल कुंबले ने लिखा, ऋषि कपूर बचपन के नायक चले गए, उनके परिवार और दोस्तों के लिए हार्दिक संवेदनाएं। और वहीं हर्षा भोगले ने ट्वीट कर कहा, एक बचपन का आइकन, इतने बुलबुले, सबसे दोस्ताना लगते थे, लोगों से मिलजुल कर रहा करते थे, हमेशा लोगों को पहले गुदगुदाया और फिर बाद में अपने अभिनय की हवा से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।